गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार। हम लोग चेकआउट कर लिए हैं अपने रिजॉर्ट से। हम लोग आ गए हैं कार्पे डीएम, जो कि हमारा यूजुअल ब्रेकफास्ट पॉइंट हो गया है अब एट दिस पॉइंट। कल तो हम लोग डिनर भी यहीं पर करे थे एंड यहाँ पे चाय बहुत अमेजिंग है, साउथ इंडियन खाना बहुत अमेजिंग है, तो यहाँ पे खाते हैं। उसके बाद हो क्या गया है कि सुबह जब बोटिंग जा रहे थे तब यहाँ पर एक छोटा सा कट लग गया है और लोहे के गेट से लगा था, उस पर जंग थी। तो अब एक क्लिनिक या हॉस्पिटल ढूंढेंगे जहाँ पे मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लगा सकें। मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम लोगों को वॉयज का एक टूर दे देता हूँ आज के वीडियो में, क्योंकि आप काफ़ी ट्रिप कर लिए हैं तो काफ़ी गंदी हो गई है गाड़ी। बहुत अमेजिंग लग रही है गंदी होकर, तुम लोग समझ सकते हो, जो लोग ट्रैवल करते हैं गंदी गाड़ियाँ बहुत अमेजिंग लगती है, फिर धुलवाने का अलग मज़ा होता है। एनीवे, तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि वॉयज में हम लोगों ने कैसे कैसे क्या रख रखा है बेसिकली, क्योंकि अभी सामान जो है बहुत सारा है। और पंजिम जाने के बाद ये दो लोग तो अलग अलग माध्यमों से चले जाएंगे, हम दो ही लोग बचेंगे, सामान भी कम होगा, इसलिए ये टूर जो है मैं अभी दे दे रहा हूँ। तो ये है हमारी वॉयज, एक मिनट में आ रहा हूँ। तो ऊपर तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं रखा है, हालांकि नाम इसका वॉयज इसी के चक्कर में पड़ा है, पर सामान जो है मेजरली यहाँ पर है। और आप देख सकते हो कि हम लोगों के जो हैं रक्सैक बैग्स भी यहीं पर हैं, और इस टाइप के दो कैमरा बैग्स हैं, एक हिमांशु का आगे है, एक ही ट्राइपॉड ये है, और ये एक दो तीन बड़े सूट केसेस हैं, एक मेरा लैपटॉप बैग है और ये मेरा कैमरा बैग है मेन। ये वाला कैमरा बैग भी मेरा है, बट अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, पुराने कैमरा को। एंड क्या बोलते हैं, हम लोग ये देखो, हम लोग ट्राई बेसिकली ये कर रहे थे कि कुछ भी सामान जो है वो आगे ना रखना पड़े। तो आगे आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लगेज बैग आकाश का रह गया है, बस आकाश का पूरा सामान रहते से बैग में आ गया है, पता नहीं कैसे, किसी को भी नहीं पता है, आकाश को भी नहीं पता है। बट डेली अलग अलग कपड़े पहनता है, ऐसा नहीं है कि रिपीट कर रहा हो, तो भाई टैलेंट है। और बाकी ये लोग यहाँ पे कंफर्टेबल हो पाए हैं क्योंकि हमने पैकेजिंग जो है लाइट करी है, कोशिश करी है, और सामान जो है सब पीछे ही आ गया है। और हिमांशु मेरा नॉर्मली शॉटगन रहता है, तो हिमांशु इज़ ऑन हिज सीट and then I'm going to be driving. Let's go to the hospital first. Hospital jabran mein dekhna pad gaya hai. तो हम लोग अभी इस समय कैनाकोना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हैं फॉर माई टिटनेस इंजेक्शन, एंड पीछे काफ़ी भीड़ है, अभी थोड़ा सा आई थिंक टाइम यहाँ पर लग जाएगा, तो बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ क्लियर होने का, मतलब ये लोग बैठे हैं, मैं खड़ा रहूँगा लाइन में ताकि नंबर मेरा लगा रहे। 20 रुपये लगे हैं यहाँ पर टिटनेस के, बट मुझे कोई प्राइवेट ऑप्शन दिखे नहीं, तो हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही आ गए। तो यार आधा घंटा लग गया टिटनेस उनने यहीं पर लगा दिया हाथ में, और अच्छा है कि पीछे नहीं लगाया, वरना बैठ के चलाने में दिक्कत होती। टाइम लगा थोड़ा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला सीन था, बट देवर नाइस इनफ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो गया। लाइफ में पहला मैंने कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं करवाया था। कल सुबह से थोड़ी सर्दी हुई थी, अभी थोड़ी बढ़ गई है आज। हिमांशु बीमार है, उसने क्रोसिन वगैरह खाई है, फीवर है उसको। मैं ठीक हूँ ऐसे, पर मुझे आ रही थी अभी बहुत भयंकर नींद। हम लोग लिटरली 15-20 मिनट हुए निकले हुए हमको बस, और इतनी नींद में हूँ मैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या है ना, गन्ने की खेती बहुत हो रही है अभी इस समय, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक गन्ने का ग्लास पी लेते हैं सब लोग, थोड़ा सा जो है अच्छा लगेगा। ये 30 रुपये का एक ग्लास है, यहाँ पे लोकल बनता है, उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, बट ठीक है यार, टूरिस्ट लोकेशन है, थोड़ा बहुत चलता है। बाकी क्वांटिटी सही दे दी है 30 रुपये में, बहुत बढ़िया मीठा है, पीते हैं थोड़ी एनर्जी आएगी होपफुली, और फिर चलते हैं यहाँ से।
तो हम लोग आ चुके हैं वास्को डगामा सिटी में एंड बहुत ही ज़्यादा नींद आई मुझे, बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ। आई थिंक इतनी नींद मुझे कभी भी किसी भी इतनी स्मॉल ड्राइव में नहीं आई है जितनी आज। आई हैव लिटरली नो आइडिया व्हाई, बट वी आर हियर नाउ। हाय, चैनल नेम इज एंजल सक्सेना, यू कैन लुक मी अप ऑन यूट्यूब, है ना। आप लोग भी आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब टू स्पाई गाइस। सही है, इनको करो नहीं करो मेरे को जरूर कर देना। कौन सा है? एंजल सक्सेना। थोड़ा बहुत टाइम मिला गूगल पे सर्च करने का, बिकॉज ज़्यादा रिसर्च तो हम लोग कर ही नहीं थे। तो अपेरेंटली वास्को डगामा जो है वो यहाँ से नहीं बल्कि कोझिकोड़े से एंटर किए थे इंडिया में, तो ये कुछ ज़्यादा बहुत रेलेवेंट नहीं है हिस्टोरिकली ये जगह। हो चलेंगे कुछ दाल चावल टाइप खा लेंगे। तो यार इस जगह पे खाना तो ठीक ही था, पर चलता है, मतलब कभी कभार थोड़ा बैड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इतना ऐसा बैड एक्सपीरियंस था नहीं वैसे, दाल रोटी ठीक थी, दाल तो एक नंबर। हाँ, फिर हम लोग फ्राइड राइस ले लिए उस चक्कर में। तो यार अभी मूड तो ऐसा बन रहा है मेरे ख्याल में सभी लोगों का कि डायरेक्ट नॉर्थ गोवा साइड चलते हैं और प्रोबेबली दिल चाहता है वाला फोर्ट देख लेते हैं। बिकॉज क्या है कि कल से पर्टिकुलरली हिमांशु बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 6 डेज। हम 3 लोग तो घूम सकते हैं फिर भी, बट ही विल बी वेरी बिजी। तो ये एक लोकेशन ऐसी है नॉर्थ गोवा की जो हम 4 लोग साथ में कर लें तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, है ना। बाकी सब चीज़ें हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो चपोड़ा फोर्ट लेट्स गो। ये वास्को से हम लोग पंजिम साइड जा रहे हैं अभी, और ये जो एक्सटेंशन ब्रिज आप लोग देख रहे हो वीडियो में, ये अभी बन रहा है। इस चक्कर में यहाँ पे करीब 20-1 मिनट के जाम में थे हम लोग, पर बहुत बड़ा ब्रिज है यार एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया से कनेक्ट कर रहा है, अदरवाइज़ बहुत घूम के आना पड़ेगा सभी लोगों को। ये बन जाएगा तो ये बहुत अमेजिंग लगेगा डेफिनेटली। और दिलीप बिल्डकॉन ने बनाया है जो कि हमारे अपने भोपाली कंस्ट्रक्टर हैं। तो क्या बोलते हैं, गर्व हो रहा है। तो ये पणजिम को पीछे छोड़ते हुए हम लोग अब इस ब्रिज में हैं। इस ब्रिज को जब उतरेंगे तब हम लोग नॉर्थ गोवा में होंगे एंड यहाँ से 18 किलोमीटर पर रह गया है। तो सीन ऐसा है कि अगर 5:35 तक पहुँचते भी हैं, जो कि करेंटली ETA है हमारा, तो और अगर उन्हें अलाउ किया अंदर जाने को, तो कुछ देर की हाइक या ट्रैक हो सकती है वहाँ पर। और 6 बजे है सनसेट, सनसेट पर हमको वहाँ होना है, दैट्स द होल पर्पस। तो लेट्स सी कि थोड़ा कट टू कट हो रहा है, बट लेट्स सी। हम लोग आ तो गए हैं चपोड़ा तक, बट 5:36 हो गया है इस प्रोसेस में एंड बस 1 मिनट बताते हैं कि अंदर एंट्रेंस मिलती है या नहीं मिलती है हम लोगों को। भैया चपोड़ा फोर्ट जाने के लिए कहाँ से? हाँ जी, नहीं जा सकते हैं। 5 बजे के बाद बंद होता है। तो 5 बजे के बाद बताना यार। हम लोगों को पता था बट हम लोगों ने रिस्क लिया बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि अब हिमांशु को टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज वो फेस्टिवल में बिजी हो जाएगा। तो अब देखते हैं, हम लोग तो फिर भी आ सकते हैं, पर हिमांशु को लाने की कोशिश करेंगे। कल सुबह चल सकते हैं नहीं तो सनराइज के समय, सुबह तो ये भी फ्री है, पर वैसे ये सनसेट लोकेशन है तो अगर तुम लोग आते हो 4 बजे तक आओ, सनसेट तक रुक सकते हो, बट 5 बजे के बाद एंट्री नहीं लेते लोग, ये सीन है। अब जा रहे हैं वेगेटोर जाते हैं, देखते हैं कि नॉर्थ गोवा के बीचेस कैसे हैं। तो ये है वेगेटोर बीच की गली एंड कार जो है हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे सड़क पे ही पार्क करी है, बट थोड़ा सा दबा के एंड अब वॉक कर रहे हैं टूवर्ड्स द बीच, वोरा बीच। भाई यहाँ से तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो जैसा कि तुम लोग भी देख सकते हो बहुत कमर्शियल है ये कंपैरिजन में साउथ गोवा के बीचेस से एंड अलग ही वाइब हो गई है यहाँ पे। हाँ, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, बट बीच तो सुंदर ही है
बस नीचे तक पहुंचते हैं फिर बताता हूँ। तो यार ये है वेगेटोर बीच। वैसे तो काफ़ी सुंदर बीच है बट यहाँ पे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए क्योंकि काफ़ी कमर्शियल जगह हो गई है। कुछ सनसेट वाली फ़ोटोज़ मिली हैं, कुछ स्लो मोशन वीडियो लिया है, काफ़ी अच्छी प्यारी वेव्स हैं यहाँ पे। बट यार वहाँ पे बहुत शांति थी, बहुत अलग माहौल था वहाँ पे। क्लैनलीनेस लेवल पर अगर अपन देखें तो इट्स समथिंग लाइक 6 out of 10। इट्स नॉट वेरी क्लीन बट मुंबई वगैरह के बीचेस से बेटर है डेफिनेटली। और नॉर्थ गोवा में भी अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप आ सकते हो। एंड यहाँ पे एक टिकट काउंटर है आई थिंक वाटर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। और भी कुछ कुछ लोग रैंडमली पूछ रहे थे हम लोगों से, हम लोग तो करने वाले हैं नहीं बट या तो जाता हूँ मैं अपने दोस्तों के पास में और देखते हैं कहीं होटल में चेक इन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कहीं किया नहीं है तो या आई विल गो देयर एंड अपन फिर वहाँ पर बात करते हैं। होटल का नाम हमें पता नहीं है, एक रेफरेंस के थ्रू हम लोग यहाँ आए। गाड़ी फ़िलहाल जो है सड़क पर ही खड़ी हुई है पर थोड़ी देर में इसको अंदर कहीं पे पार्क करेंगे ऐसा इन लोगों ने, होटल वालों ने बोला है। आई थिंक होटल बीच वॉक नाम है इस जगह का। चेक इन करते हैं यार, बहुत थक गए एंड वी नीड सम टी एज़ वेल। तो कुछ एसेंशियल चीज़ें जो है अंदर रूम में ले जा रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। चेक इन करके अंदर रूम दिखाते हैं यार। ये हम लोगों का स्टे आज रात के लिए, इसमें हम चारों लोग मैनेज करने वाले हैं। दो मैट्रेसेस लगवा लेंगे यहाँ पे, काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ा है हम लोगों को। आज रात काटनी है बिकॉज कल से हमारी 6 दिन की बुकिंग है एक बहुत अच्छे ओयो टाउन हाउस में। वो प्रॉपर्टी तो बढ़िया है, अभी हम लोग गए भी थे वहाँ पे बट अभी तो फिलहाल रूम्स उनके सारे पैक्ड हैं बिकॉज बुकिंग हमारी कल से है एंड हम लोग आज एक दिन पहले आ गए हैं तो अब एकदम कट टू कट कुछ हो नहीं सकता था। तो एक ये प्रॉपर्टी देखी यहाँ पर आके, अब बस आज रात काटनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब निकलते हैं कहीं चाय पानी के लिए कुछ और प्रॉबेबली फिर डायरेक्ट डिनर करते हुए लौटते हैं। तो ठीक ठाक हम लोग चेक इन तो कर लिए हैं, अभी चाय पीने के लिए आए हैं। एक जगह मिली है सिंपल बाइट्स कैफ़े करके यहाँ पर कैलंग गेट में, तो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे शायद 10 रुपये की चाय है, देखते हैं कैसी क्या है। तो चाय तो यहाँ पे बढ़िया हो गई थी एंड 2 कप पी ली है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिचार्ज फील हो रहा है। अभी खाने का ऐसा है कि सब लोग अलग अलग कुछ कुछ खाना चाह रहे हैं तो देखते हैं कि मैं पर्टिकुलरली क्या खाता हूँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, कार हम लोग लेके निकले ही हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ फास्ट फूड जॉइंट्स भी हैं, कुछ यहाँ की लोकल जगह भी हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या मिलता है आज रात को। डिनर के लिए जो है पूरे ग्रुप ने मत दिया है डोमिनोज़ के लिए। अच्छा यहाँ पे हर जगह पार्किंग भी नहीं मिलती है बट थैंकफुली कुछ दुकानें बंद थी एक जगह पे तो वहाँ पे फंसा दिया हूँ किसी तरह अपनी वॉयज को। डोमिनोज़ आ गए हैं, डोमिनोज़ में जाके कुछ पिज़्ज़े ऑर्डर करते हैं और फिर बात करते हैं थोड़ी देर में। डोमिनोज़ तो हो गया है डिनर, थोड़ा सा ड्राई सा फील हो रहा है गले में अब। तो हिमांशु ने एक जगह पे चाय का पता किया है तो फिर से एक राउंड चाय हो जाए। चाय तो जितनी भी हो उतनी कम है, तुम लोग को जानते ही हो, भोपाली लोग हैं यार, चाय तो दिन भर चलते ही रहना चाहिए। तो अब कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं चाय पीने के लिए। चाय पियोगे तुम? अरे शाबाश यार, ये लौंडा भोपाली नहीं है पर ये होता जा रहा है अब धीरे धीरे। चाय नहीं पीता है अभी, 2 बार चाय पिया है उसने शाम को हमारे साथ में, अभी फिर से रेडी हो गया है। प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। आप पियोगे यार? नहीं यार, ये आदमी भोपाली कम होता जा रहा है, उल्टा हो रहा है। एक श्री अमृतुल्य करके एक कैफ़े है चाय के लिए, वहाँ आए थे बट वो बंद है। उसका बोर्ड तो लगा है यहाँ ऊपर, वो है कहाँ पे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा बट यहाँ के लोगों ने बताया कि वो भी बंद हो चुकी है। सामने एक उडुपी करके है, उस पर चाय देने के लिए गया है ऑर्डर हिमांशु, तो यहाँ भी पी लेते हैं चाय, ठीक ही होगी। एंड
उसके बाद जो है होटल जाना है वापस, एंड ये सारा डेटा जो है आज का काफ़ी हो गया बिकॉज आज सुबह वो डॉल्फिन वाला वीडियो भी था और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, तो इन सब चीज़ों को डंप करेंगे। डेली मैं रात में डंप करता हूँ सोने से पहले, और उसके बाद फिर सोते हैं। कल जो है वहाँ पे चेकआउट चेक इन करना है जो हमारा 6 दिन के लिए जो होटल बुकड है, तो बस ये सीन है। चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। तो यार एक टेंशन हो गई है, हमारे रूम की जो चाबी है वो हिमांशु भाई से कहीं खो गई है। बहुत बड़ी चाबी है वो, करीब इतनी बड़ी क्योंकि उसमें वो रूम के जो इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला जो पॉइंट होता है वो भी है की रिंग में। पता नहीं कैसे गिर गई है, इतनी जगह, 2 जगह चाय पिए, 1 जगह खाना खाए हैं, तो लोग देख चुके हो कहाँ पे गिरी है आइडिया नहीं है। देखते हैं क्या सोल्यूशन होता है, इन लोगों के पास कोई स्पेयर की है भी नहीं, तो थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा, देखते हैं। क्या क्या सीन है सर? किसको लेने जा रहे हो? ताला तोड़ने वाले हो या बनाने खोलने वाले हो? चाबी ऑफिस पे रखी है, भी चाहिए? अच्छा है आपके पास चाबी? मैन ऑफिस पे रहती है, वहां पर फाइन बनना पड़ता है। ठीक है, तो ये लोग अपने कोई मेन ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे स्पेयर की है शायद, 300 रुपये फाइन लगेगा, बट चाबी आ जाएगी। नॉट द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, बट इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि अल्टीमेटली मिला ही नहीं है कुछ जो गुमा है, यूजुअली मिल जाती है चीज़ें। सो वी ट्राइड सर्चिंग द कार एक बार और अच्छे से डीपली, पर चाबी कार में तो नहीं है, तो वो होटल स्टाफ वाले जो अभी गए हैं उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। उनको 30 किलोमीटर जाके आना है टोटल में, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा उन लोगों को, देखते हैं कितनी देर में आती है चाबी। तो इन लोगों को चाबी तो नहीं मिली है, सब चीज़ें बंद हो गई हैं जहाँ पे, जिस ऑफिस पर ये लोग लेने गए थे। तो अब ऑप्शन है आखिरी ताला तोड़ने का। डिक्की में भी दिखा दो भैया थोड़ा, क्या लाया हो, जार दिखा दो। क्या लाए हो? ऐसा क्या लाए हो? अच्छा हथियार लेकर आए हो तोड़ने की? व्यवस्था से आए भैया यार, तोड़ने की व्यवस्था से होता रहता है क्या आप लोगों के साथ ऐसा? थोड़ा ले यार, थोड़ा थोड़ा तो बिल्डअप दिए होते यार। जगह पे मारोगे ना? हाँ चलो यार, तो भैया ने जो टेक्निक से मारा एक बार में सारा टूट गया है। वी आर इन भैया का पुराना काम है, ब्रेक भी नहीं है, हैं ब्रेक भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, देखना यार। अरे वो मतलब ना हमको ये याद नहीं आ रहा था कि हम वो कैमरा बैग लेके गए थे कि नहीं, शायद चाबी ना कैमरा बैग में हो और वो कैमरा बैग ही पूरा कहीं छूट गया हो, यही लग रहा है, नहीं है ना? चलो भाई कैमरा बैग ढूंढ के आते हैं। चलो चाबी गाड़ी निकाल रहा हूँ मैं वहाँ से, कैमरा बैग ढूंढ कर आते हैं, फिर वहीं पर लगा देंगे, है ना? हाँ वो बंदा, हाँ ठीक ठीक। तो हिमांशु की जो है एक्चुअली मीटिंग चल रही है NFDC वालों के साथ में, तो उसका ध्यान वहाँ पर ऑक्यूपाइड है, प्लस उसका ध्यान यहाँ पर भी ऑक्यूपाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग वापस से कार निकाल रहे हैं, कार बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह पे पार्क करी है ताकि थोड़ा सेफ़ रहे, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह पर हो गई है। तो अभी जाते हैं गाड़ी वहाँ से निकालते हैं और ढूंढते हैं यार कैमरा बैग साला कहाँ छूट गया है। कांड हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। चाबी घूमने तक का कांड ठीक था यार, कैमरा बैग घूमने वाला कांड गड़बड़ है। उस कैमरा बैग में कोई लेंस या कैमरा नहीं है, बट उसमें एक बैटरी ज़रूर होगी हिमांशु की, एक आध दो कार्ड्स भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा, एंड ऑफ कोर्स चाबी तो है ही, बट मेन है वो बैटरी जो हिमांशु की छूट गई है उसमें। तो कैमरा बैग मिल गया है, अब क्या है, ताला तोड़वाने के बाद और ऑलमोस्ट एक हार्ट अटैक के बाद जो कैमरा बैग है वो यही चाय की दुकान पर छूट गया था, भैया लोगों ने सेफली रख लिया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगों को, एंड ऑब्वियसली इसमें चाबी होगी। चाबी नहीं है क्या?
चाबी स्टिल बैग में रही है। अरे भाई क्रेजी। चाबी स्टिल बैग में नहीं है तो ताला तो टूटना ही था दोस्तों, चलते हैं। तो बैग मिलने के बाद वापस आ गए हैं एंड वॉयज को मैं अब मेन स्ट्रीट पे लगा दे रहा हूँ, बिकॉज अंदर का रास्ता भी जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पर भी चांसेस तो हैं कोई और के ठोकने के। तो मैंने कहा कि ठीक है अब रिस्क लेना ही है तो अपनी लेन में ही ले लेते हैं, वैसे भी सुबह उठ के यहाँ से चेकआउट करना ही है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बहुत कुछ हो गया है, हैक्टिक हो गया है एंड वीडियो और लंबा होता जाएगा, तो उसके बजाय अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। लाइक एंड कमेंट करके बताना कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।